जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ डायरेक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक जदून कौमी एतिहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी का हंगामी इजलास तलब किया गया। हरिपुर जदून कौमी एतिहाद वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम हंगामी इजलास जेर सदारत राशिद खान मुनक्कद हुआ। सदर सईद खान जदून, जनरल सेक्रेटरी उमर खान जदून, अख्तर खान जदून, वहीद खान जदून, तारिक खान जदून, इब्रार खान जदून, सजाद खान जदून, शफीक खान जदून, नज़ाकत खान जदून, अरुण खान जदून के अलावा एबाद से मुतअद्दिद अफराद ने शिरकत की। इजलास का मकसद गरीब गुरबा में रमजान अल मुबारक में राशन पैकेज का इनकार करना है। बेवा खवातीन में सिलाई कढ़ाई के लिए घर बैठे सिलाई मशीनों की तकसीम करना ताकि आसानी रोजगार कर सकें। फ्री मेडिकल कैंप और दीगर फलाई रुफाए आमा के जरिए मददगार बन सके। जदून कौमी इताद एंड वेलफेयर सोसाइटी अपने मंशूर के मुताबिक अपना काम सर अंजाम दे रही है और पाकिस्तानी ओवरसीज इसमें बढ़ चढ़कर अपना किरदार अदा कर रही है। इजलास में तमाम शुरका ने जिला हरिपुर एबाद हवेलियाँ वाकेट और दीगर शहरों से जदून कौमी इताद और वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदारों ने भरपूर की शिरकत की।